हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हमारा अगला लेक्चर है ग्रुप थ्योरी का। और आज के लेक्चर में हम बेसिक कुछ थ्योरम्स डील करने वाले ग्रुप थ्योरी के, और उनके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सारे अकॉर्डिंगली देखने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आपको बताया गया होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ थ्योरम्स बताया गया होगा, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। 6 का 6 मैंने थ्योरम लिखा है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स भी बना के दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, पहले उस चीज को समझने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन समझ जाते कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप के बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन सारे चीज डिटेल में देख लिए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। सारी चीज डिटेल में देख लिए थे कि ग्रुप होता क्या है, है ना। अगर कोई सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जी आपके पास, और उसके अंडर पे एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो जी को मैं स्टार के अंडर पे ग्रुप कब बोलूंगा, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये चारों के चारों सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तब हम उस जी को उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर पे ग्रुप बोल देते। बट अगर वो चार प्रॉपर्टी फॉलो करने के बाद अगर एक और फिफ्थ प्रॉपर्टी फॉलो कर देता है, दैट इज आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तब मैं उसी ग्रुप को एक एबिलियन ग्रुप बोलूंगा। इसी प्रकार से मोनोएट क्या होता है ना, सब वो आपका फिर सेमी ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीज अपन बातचीत कर लिए थे, ग्रुपोइड क्या होता है। ठीक है, आज की क्लास में हम सबसे पहले एक डेफिनेशन समझ जाते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप किसको कहते हैं और वो होता क्या है। तो देखो क्या लिखा गया है, इफ जी इज अ ग्रुप देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो जैसे हम सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं ना दोस्त, इसी तरीके से एक ग्रुप का नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम एक ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस चीज को हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे दिखाया गया होगा, कैपिटल ओ है ना, पैरेंथिस के अंदर आप बोल दोगे जी है ना, या फिर दो डंडे के बीच में जी लिख सकते हो आप। ठीक है, जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो ग्रुप भी फाइनाइट होगा, और अगर नंबर ऑफ ग्रुप एलिमेंट अगर उसमें इनफाइनाइट है तो वो ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा। क्लियर स्टेटमेंट है, ये सभी को समझ आता है। ठीक है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, यूजुअल एडिशन के अंडर पे ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर वो ग्रुप है तो वो डेफिनेटली इनफाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट्स वाई वो इनफाइनाइट ग्रुप है। तो ये बस डेफिनेशन, ये कंसेप्ट आपके अंदर में क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता क्या है। बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रुप जो है, ग्रुप बेसिकली एक सेट ही है ना, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपन ने सबसे पहले क्लियर कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, उनको हम देखने वाले, डिटेल में स्टडी करने वाले, उनको जरा ध्यान से समझिएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जी आपके पास एक ग्रुप है। जी आपके पास क्या बोला गया है, जी आपके पास एक ग्रुप, ऑलरेडी आपको बता दिया गया कि भाई जी जो है आपका वो ग्रुप है, और ऑपरेशन जो दिया गया है यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ऑपरेशन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर जी आपके पास एक ग्रुप है और ऑपरेशन जो है वो अगर मल्टीप्लिकेशन है, तो आप ये बोलो कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब क्या, कि उस ग्रुप में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल होगा, एक ग्रुप में एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ सर ये तो ऑब्वियस है, ये तो आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। सही बात है ना, ये तो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, तो वापस क्यों पढ़ा रहे हो इसी चीज को। भाई डिस्कस तो किया था, वो तो बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ये चीज आप समझते भी हो, आइडेंटिटी एलिमेंट किसी पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन के अंडर पे ही आएगा और वो यूनिक होगा, फील तो आता है, बट प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रूविंग का बहुत सारे थॉट आएगा ना, है ना, बहुत सारे प्रूफ्स आएगा, थ्योरम ही थ्योरम भरे पड़े। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप ये चीज फील कर सकते हो कि क्यों ना हम ये मान लेते हैं कि जिसको हम कंट्रडिक्शन बोलते हैं, कंट्रडिक्शन मेथड आप ऑलरेडी उसके साथ आप यूजुअल हो गए होंगे, है ना, बहुत सारे चीज़ आप एनालिसिस में भी कंट्रडिक्शन के थ्रू प्रूफ किए हो। आप क्या करोगे, पहले गलत चीज़ एज्यूम कर लोगे।
ठीक है ना। आप मान लो कि उन्होंने बोला है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक है, तो मैं मान लेता हूं आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है तो आप क्या मानोगे कि ऑब्वियसली देयर मस्ट बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट, वो आप कंसिडर कर लोगे। ठीक बात है, कंसिडर करो ना, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है, है ना। मान लो जी आपका एक ग्रुप है और स्टार जो आपके पास ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, चलो तो मैं मान लेता हूं कि इस जी के अंडर पे मेरे पास दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक है ई और दूसरा है मान लो ई डैश, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके पास। ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है इसी ग्रुप का, इसी मतलब ग्रुप का अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ग्रुप अगर है, जी तो ग्रुप है बोल के दे दिया, अगर जी ग्रुप है तो तब तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके आ रहा होगा ना। तो अगर जी ग्रुप है तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट अगर होता है तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है, मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर एनी एलिमेंट ए, ए ई इज इक्वल टू ए, क्योंकि यहां पे स्टार की जगह पे मल्टीप्लीकेशन लगा दिया, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन, एंड इज इक्वल टू ई ए, इसको आप वन बोल सकते, बिल्कुल सही बात है ना। सिमिलरली आप ये भी तो लिख सकते हो ना दोस्त, ए इंटू ई डैश जो होगा वो ए के इक्वल होगा, और वही चीज ई डैश इंटू ए के इक्वल होगा, क्योंकि आपने पहले एज्यूम किए हो कि ई और ई डैश दोनों के दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली आपको इस तरीके से तो लिखना ही पड़ेगा। तो फ्रॉम वन एंड टू आप क्या बोल पाओगे, फ्रॉम वन एंड टू आप क्या बोल पाओगे, फ्रॉम वन एंड टू आप ये बोल पाओगे ना कि ए और ई जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो ए ई डैश के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर, तो ए ई और ए ई डैश इक्वल हो गया। अभी यहां से ए ए डायरेक्टली इस तरीके से कैंसिल मत कर दीजिएगा, जब हम फिफ्थ वाला प्रूफ कर लेंगे ना कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तब आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर अभी भी आप कैंसिल करके ब्रैकेट में लिख सकते हो, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हकीकत में कैंसिल कैसे होता है। हकीकत में कैंसिल वगैरह कुछ नहीं होता है इस जगह पे, जैसे मैट्रिक्स की तरह, मैट्रिक्स का एलजेब्रा जो होता है वो सिमिलर होता है ना, लीनियर एलजेब्रा, तो उसमें भी आप ऐसे ही करते हो, तो आप यहाँ पे कैंसिल नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैं इसका इनवर्स एलिमेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लाई किया तो उसको प्री मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, मैं दोनों तरफ उसका इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर इनवर्स एलिमेंट से, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते ना, क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जी तो ग्रुप है, अगर जी ग्रुप है तो उसका चारों के चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ए का इनवर्स मैंने ए इनवर्स मान लिया, और अभी मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, अभी मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, खुद ही समझ सकते हो, अभी मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा दोस्त, ठीक है, आप एसोसिएटिव लगा सकते हो यहाँ पे, तो ए इनवर्स ए के साथ मर्ज हो जाएगा और बाहर ई आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, और इधर भी ए इनवर्स ए के साथ चला जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर ये ग्रुप है तो इसमें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। और इनवर्स प्रॉपर्टी से आप क्या जानते हो कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और वही चीज किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट को तो मैं ई ही लिखूंगा, बात समझ में आ रहा है ना, इस केस में ई डैश लिखूंगा। ठीक है, तो ई स्क्वायर बराबर ई डैश स्क्वायर, तो यहां से मैं आराम से ई और ई डैश को इक्वल बता सकता हूँ, बात समझ में आया, क्लियर है दोस्त, समझ में आया ना। तो वही आपका मेन लॉजिक है जो आपको समझना है। ठीक है, तो आपने कंसिडर किए थे, या फिर आप डायरेक्टली यहां से कैंसिलेशन लॉ से भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्टीमेटली कंक्लूशन क्या निकला कि आपने कंसीडर किए थे कि ई और ई डैश दो डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट है, और बाद में जाकर के आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि ये दोनों तो इक्वल है, मतलब आपका एजाम्पशन जो है वो कंट्राडिक्ट हो गया, है ना। आपने कंसीडर किए थे दो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, बट हकीकत में पता चला कि ये दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इक्वल हो गया। उसका मतलब क्या कि दो डिस्टिंक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों इक्वल ही होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक ग्रुप में यूनिक होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है ना। चल तभी फटाफट लिखा देते, लिख लो इसको, लिख लीजिएगा, जैसे ही कहानी लिख लेंगे तो पूरा पूरा ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। बात समझ आ रहा होगा आपको, क्लियर है दोस्त। चल तो अगर मैं बात करूं, लिख लीजिएगा फटाफट एक बार, लिख लो, लिख लीजिए कि Let E and E dash are two identity element in group G. Let E and E dash are two identity element in group G. In group G, then A E is equal to A is equal to E A, Roman 1, and then A E dash barabar A barabar E dash A.
ठीक है, समझ में है ना। इसको रोमन टू लिख देना और साइड में लिख देना कि ऑब्वियसली ए जो है वो कहाँ का एलिमेंट होगा, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। तो लिखो लिखो, देखो यहाँ पे दूसरा लॉजिक से बताया गया है, वो लॉजिक भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। वो लॉजिक क्या है, देखो वो लॉजिक ये है कि अगर मैं बोलूँ कि जी मेरे पास कोई भी ग्रुप है ना, और उसके अंदर ए कोई एलिमेंट है, और आपने कंसीडर कर लिया कि दो दो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो ई और ए डैश भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और कुछ होगा या नहीं मेरे को नहीं पता, और हो भी सकता है। तो अगर मैं ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो मेरे ई डैश जो है वो एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा ना। ई अगर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई डैश मेरा नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, और ई डैश अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई मेरा नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो मैं जो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ए का मतलब क्या है, ए का मतलब थोड़ी ना सिर्फ ये है, ए का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को मीन कर सकता है, ए का मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर मैं ए को ई डैश की तरह ट्रीट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ई डैश रख सकता हूँ ना, ए के जगह पे ई डैश रख सकता हूँ। बात समझ में आया ना, क्लियर है। तो अगर मैं ए के जगह पे यहाँ पे ई डैश रख दूंगा, तो यहाँ से आपके पास जो चीज निकल करके आ रहा है वो क्या निकल करके आ रहा है, ऐसा ही चीज निकल करके आएगा, ई ई डैश बराबर ई डैश बराबर ई ई डैश, बिल्कुल सही है ना, ए बराबर ए बराबर ई इंटू ए, क्लियर है। और जो आपका सेकेंड इक्वेशन है उसमें भी आप क्या बोल सकते हो कि अगर ई डैश आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई कोई भी एक नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ई अगर कोई भी नॉर्मल एलिमेंट की तरह ट्रीट होता है, तो उस वक्त आप ए के जगह पे ई भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये तो इसके साथ इक्वल है ना, अगर ये इसके साथ इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा, इस जगह से भी आप बोल सकते हो कि ई और ए डैश इक्वल होगा। तो दोनों में से कोई भी लॉजिक कैंसिलेशन लॉ के मदद से भी आप बोल सकते हो, या फिर इसके थ्रू भी आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन आप लिखे होंगे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, उसके बाद लिख लीजिए आप इन पर्टिकुलर रिप्लेसिंग ए बाई ई डैश, ए बाई ई डैश इन इक्वेशन वन, यहाँ से नीचे लिखो इन पर्टिकुलर रिप्लेसिंग ए बाई ई डैश इन इक्वेशन वन एंड ए बाई ई इन इक्वेशन टू कॉमा वी गेट ई ई डैश बराबर ई बराबर ई डैश ई एंड ई डैश ई बराबर ई डैश बराबर ई ई डैश, ये दोनों लिखो। ठीक है, तो इन दोनों को आप थ्री और फोर बोल सकते हो, रोमन थ्री बोल दो रोमन फोर बोल दो, और फिर नीचे लिखो फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव ई इज इक्वल टू ए डैश, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव ई बराबर ई डैश, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव ई बराबर ई डैश। और वहीं से आपको क्या पता चल गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट, देयरफॉर कमेंट कर दो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक, दैट इज देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट इन ग्रुप। ठीक है, तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली, आप पूरा प्रूफ सजा करके लिखो, मैं एक्सप्लेन भी करके दे रहा हूँ, डिक्टेट भी कर रहा हूँ, उसके ज़्यादा वापस मैं लिख करके यहाँ पे दूँ वो अननेसेसरी मेरे खिलाफ, उस वही टाइम अगर मैं समझाने में अगर मैं लिखने जाऊँगा तो वही टाइम लिखने में चला जाएगा, ठीक है ना, या फिर पहले मैं लिख लिख के बताऊँ, अच्छा नहीं लगता यार। ठीक है, तो समझाने में वही टाइम लगा दो, है ना, और लिखना तो आप खुद से भी अपना नोट्स बना सकते हो, मैं तो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है, तो क्या दिक्कत है। एक और थॉट आपका कैंसिलेशन लो भी हो सकता है, वो भी आप लिख के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर टू जो आपके पास आता है वो क्या आता है, नंबर टू आता है आपके पास इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, मतलब अभी आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद किसका बारी आया, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद बारी आया इनवर्स एलिमेंट का, आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद बारी आया इनवर्स एलिमेंट का, कि अभी आपको ये बताना है कि इनवर्स एलिमेंट जो है एक ग्रुप में वो भी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, इनवर्स एलिमेंट एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मैं बोलूं जी मेरा ग्रुप है और मल्टीप्लिकेशन उसका ऑपरेशन है, ठीक है, तो सिमिलरली कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर लेते कि जी पे दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, एक को A1 बोल देते और दूसरे को A2 बोल देते, ठीक है, एक को A1 बोल देते एक को A2 बोल देते, है ना, और ये दोनों के दोनों किसका एलिमेंट है, A का एलिमेंट है, या फिर डैश देके लिख लो, पहले भी डैश दिए थे, डैश देके लिख लो,
ए डैश और ए डबल डैश, ठीक है। और ये कौन है आपका, ये दोनों के दोनों मैंने ए का इनवर्स कंसीडर किया, ठीक है, लिखा के दूंगा अभी समझ लो पहले, ठीक है। तो अगर ए का दो दो इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो मैंने एजम्पशन लिया, तो ये दोनों के दोनों इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू बी, बी के जगह पे ए डैश आ जाएगा इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होगा ई ही होगा इज इक्वल टू ए डैश इंटू ए। सिमिलरली ए इंटू ए डबल डैश भी आएगा और वो ई के इक्वल होगा इज इक्वल टू ए डबल डैश इंटू ए। बात समझ आया, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा यहां से आप ध्यान से कहानी को समझो। अभी अगर मैं ए को लिखूं, अगर इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो आइडेंटिटी भी तो करेगा ना भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट भी तो सेटिस्फाई होगा। और ए के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा ना, इनवर्स दो दो है अपने कंसीडर किए बट आइडेंटिटी एलिमेंट तो एक ही, आइडेंटिटी का कंडीशन तो एक ही आएगा। तो ए को मैं ए इंटू ई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी प्रॉपर्टी से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, क्योंकि जी ग्रुप है आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। तो ए को आप ए इंटू ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ए को अगर ए इंटू ई लिखो तो E को वापस जाकर के मैं किसमें कन्वर्ट कर दूं, इसमें लिखूंगा, या फिर मैं मान लो किसमें लिखूं, E को अपन लेकर के चलते मान लीजिए। अच्छा मेरे को दिखाना क्या था, मेरे को दिखाना था A डैश और A डैश A डबल डैश बराबर है, तो मैं A को ना लेकर के A डैश को लेता हूं, है ना। तो A डैश अगर इसी ग्रुप का इनवर्स एलिमेंट है तो इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट भी तो होगा ना, तो अगर इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट है तो इस ग्रुप का हर एलिमेंट तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो ए डैश को भी मैं ए डैश इंटू ई के इक्वल लिख सकता हूं, क्योंकि ए के जगह पे तो इस ग्रुप का हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी लिखते हैं ना, मतलब फॉर ऑल का मतलब क्या है कि इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट यहां पे आके बैठ सकता है, इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। आइडेंटिटी तो यूनिक है बट हर एलिमेंट का इनवर्स तो यूनिक ही होगा, अलग अलग होगा, है ना। तो ए डैश को आप ए डैश इंटू ई लिख सकते हो। अच्छा अभी इसी ई को, अभी इसी ई को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटू ए डैश, सॉरी ए इंटू ए डबल डैश लिख लेता हूं यहां से, है ना। तो अभी अगर मैं यहां पे एसोसिएटिव लगा देता हूं तो ए डैश ए के साथ चला गया और ए डबल डैश अलग हो गया, तो ए डैश इंटू ए कितना आ गया दोस्त, ई आ गया ना, तो ये हो गया ई इंटू ए डबल डैश। और ई इंटू ए डबल डैश को अपन क्या बोल सकते हैं, ए डबल डैश बोल सकते हैं ना, क्योंकि ए डबल डैश भी तो अपने इनवर्स एलिमेंट कंसीडर किए, मतलब ए डबल डैश भी ग्रुप में होगा, और अगर ए डबल डैश ग्रुप में होता है तो वो भी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से ई इंटू ए डबल डैश को ए डबल डैश लिख पाओगे, तो यहाँ से क्लियरली आपके पास क्या आ गया कि ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश। तो अगर ए डैश और ए डबल डैश इक्वल आ जाता है मतलब दोनों के दोनों इनवर्स एलिमेंट क्या आ गया, इक्वल आ गया, कहानी वहीं पे खत्म, सही बात है। लिख लीजिएगा, लिखिए, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट एंड, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट एंड एंड लेट ए डैश कॉमा, लेट ए डैश कॉमा ए डबल डैश, लेट ए डैश कॉमा ए डबल डैश आर टू इनवर्स ऑफ ए, a dash comma a double dash are two inverses of a in g, are two inverses of a in g, are two inverses of a in g, then a into a dash, ye dono condition likh do, ye dono condition likh do, theek hai, ye dono condition likh do, fir aap yahan se start karo now de karke, theek hai, yahan se start karo now de karke, accordingly ab likhte jao, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लिखते जाओ। इसके जस्टिफिकेशन में आप ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, मतलब ये आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे, ये तो आप नीचे नीचे लिखोगे, साइड में ब्रैकेट में रीज़न लिखते जाओगे। इसका ब्रैकेट में आप ये रीज़न लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, सिंस ए बिलोंग्स टू जी, है ना, एंड ए डैश ऑल्सो बिलोंग्स टू जी, ठीक है, देयरफोर ए डैश इंटू ई बराबर ए डैश इज इक्वल टू ए ई इंटू ए डैश, ठीक है, जो मैंने यहां पे आपको समझाया था, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर ए डैश, उसी से आपने ये चीज लिख दी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप ये लिखोगे तो इसको अगर आप रोमन वन और इसको अगर आप रोमन टू देते हो तो ये आप लिख दोगे, कहां से आपने लिखे, फ्रॉम रोमन टू,
और इसके नीचे लॉजिक क्या जाएगा, इसके नीचे लॉजिक जाएगा बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसका ब्रैकेट में लिख दोगे बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात समझ आ रहा है? अच्छा, और ये हो जाएगा आपका ई इंटू ए डबल डैश। तो ए डैश इंटू ए को आपने ई कहां से लिखे, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, और ई इंटू ए डबल डैश को ए डबल डैश क्यों लिखे, अब लिखोगे सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर, एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑल्सो सेटिस्फाइज ऐसे ही लिख दो बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर ए डैश, और यहां पे बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर, क्योंकि जी तो ग्रुप है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, खत्म बात। तो यहां से आपको मिल गया इंप्लाइज ए डैश बराबर ए डबल डैश। फिर आपका स्टेटमेंट दे दो, देयरफॉर इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इन जी इज यूनिक, इज यूनिक, इनवर्स एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। आए बात समझ में, क्लियर है दोस्त? चलो आगे की बात करते, कहानी आगे लेके जाते, और अगला प्रॉपर्टी में आपको ये बोला जा रहा है ए इनवर्स का होल इनवर्स जो है वो ए के इक्वल है। ये बड़ा मतलब सिंपल चीज है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो ये ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ये आप ऐसे ही समझ सकते हो कि एक एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो उसी एलिमेंट के इक्वल होगा, ऑब्वियस चीज है। ध्यान से देख लो कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, अगर ए कोई भी एक एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है, ए अगर ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट है तो उसका इनवर्स एलिमेंट ही तो कौन है, ए इनवर्स तो उसी का इनवर्स है ना। तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है आपको, इनवर्स प्रॉपर्टी कहता है अगर ए का इनवर्स ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स जो होगा वो ई के इक्वल होगा, और वही चीज ए इनवर्स इंटू ए के इक्वल होगा। यह है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसी इनवर्स प्रॉपर्टी से हमें क्या समझ में आता है, हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो चीज है वो इसका क्या है, इनवर्स है। समझ में आया ना? और सिमिलरली कॉम्यूटेटिविटी से आपको यहां पे भी दिख रहा है ना कि ये इसका उल्टा हो गया, तो आप यहां पे भी बोल सकते हो ना कि ये जो चीज है वो इसका इनवर्स है, क्योंकि यहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी तो दिख गया आपको। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे एक एलिमेंट और उसका इनवर्स के बीच का कॉम्यूटेटिविटी भी तो सेटिस्फाई हो गया। तो अगर ये एलिमेंट इसका इनवर्स होता है तो ये एलिमेंट भी तो इसका इनवर्स होगा। तो इसी लॉजिक से आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि अगर ये एलिमेंट इसका इनवर्स होता है तो इसका इनवर्स, मतलब ये एलिमेंट, लैंग्वेज को फील करना, ये एलिमेंट इसका इनवर्स है तो ये एलिमेंट भी इसका इनवर्स होगा। तो इसका होल इनवर्स इसके इक्वल, वही लैंग्वेज को मैथमेटिकल रिलेशन में उतार दिए। क्लियर है? समझ आ रहा है? तो ये एक सिंपल सा 1 या 2 मार्क का प्रूफ है, आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। ये कभी एग्जाम में आता भी नहीं है, खास करके आएगा भी नहीं, आप लिख लीजिए फिर भी। लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, लेट ए बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट एंड ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए, and A inverse is the inverse of A in G, A inverse is the inverse of A in G, A inverse is the inverse of A in G, and A inverse is the inverse of A in G, so that A A inverse equal to E equal to A inverse into A, where comma देके लिख देना, where E is the identity element, ठीक है। फिर नीचे लिखो which is a symmetric condition involving A and A inverse. Which is a symmetric condition involving A and A inverse. And therefore, this condition also implies that A is the inverse of A to the power minus 1. जो मैंने अभी आपको समझाया. And therefore, this implies that, also implies that A is the inverse of A to the power minus 1. That is A inverse. और फिर उसके बाद ही आप नीचे लिख दो, that is A inverse का whole inverse is equal to A for all A belongs to G.
क्लियर है, रूफ हो गया, सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलो तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। तो ये तीन पहला प्रूफ हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिए, तो इसको आप डिटेल में समझ गए होंगे दोस्त। अभी चलते हैं हम रिमेनिंग तीन प्रूफ में, और उसमें सबसे ज़्यादा इन छः का छः प्रूफ में से एग्जाम में आने लायक अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है तो ये फोर्थ वाला प्रूफ है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देखो, ठीक है। और इस तरीके का चीज़ आप मैट्रिसेस में भी देखते हो, याद करके देखो, ए बी होल इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स के इक्वल होता था, ठीक है। इसी प्रकार का चीज़ आप मैट्रिसेस में भी देखते हो, सेम चीज़ आपका ग्रुप में भी एग्जिस्ट करता है, ग्रुप के एलिमेंट्स। उसके बाद अगर चांस बनता है तो वन और टू का आने का चांस बनता है, क्लियर। तो चलिए फोर को बहुत अच्छे से हम समझते हैं, वन टू और फोर में स्टार लगा करके रखिएगा, ठीक है। चलिए फोर को अपन समझते धीरे धीरे अच्छे से, देखते अकॉर्डिंगली क्या है कहानी। देखो जरा, फोर में बोला जा रहा है ए बी होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। ए बी होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अभी जरा ध्यान से देखिएगा आप बात को, ठीक है ना। अच्छा, हम यहाँ पे कैसे इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं? सिमिलरली जो सेम थॉट जो हमने थ्री पे लगाया ना, वही थॉट अपन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे उस चीज को समझते हैं? अगर मैं किसी ना किसी तरीके से ये प्रूफ कर देता हूँ, अगर मैं किसी ना किसी तरीके से ये प्रूफ कर देता हूँ कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स जो होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा, और वही चीज कॉम्यूटेटिविटी से बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये थॉट आपको निकाल के दिखा देता हूं तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री का जो प्रूफ था उसी का आइडिया को यूज करके आप ये बोल पाओगे ना कि सर अगर एक एलिमेंट और उसका इनवर्स नहीं बोल रहे, एक दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है तब तो हमें ऐसे पता है ना सर कि इनमें से एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है। अगर दो चीज का प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए इंटू बी अगर ई है तो ए बी का इन्वर्स होगा या फिर बी ए का इन्वर्स होगा, क्लियर है। वही तो आप बोल पाओगे ना, तो डायरेक्टली आप यहां से ये कंक्लूड कर पाओगे ना कि इसका इन्वर्स जो होगा वो ये होगा, दैट इज ए बी होल इन्वर्स जो होगा वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होगा। तो ये रहेगा हमारा एंटायर थॉट, जो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है ना दोस्त, उसी को हम यूज करके इस चीज को समझे होंगे। बात समझ में आ रहा है ना, जो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है ना उसी को यूज करते हुए हम इस चीज को समझे होंगे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर। चलो जरा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट को पकड़िएगा अच्छे से। यहां से अपन क्या सोचते, देखो जरा ध्यान से, है ना, यहां से अपन क्या सोचते जरा ध्यान से देखिएगा कि देखो ए और बी, सबसे पहले हम मान लेते कि ए और बी जो है वो आपका ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है। अगर ये ग्रुप का एलिमेंट है तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट इनवर्स प्रॉपर्टी, चारों के चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, बट उनमें से इनवर्स और आइडेंटिटी को हम लिख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू ई बराबर ए होगा और वही चीज ई इंटू ए के इक्वल होगा। सिमिलरली बी के लिए बी ई जो होगा वो बी के इक्वल और वही चीज ई इंटू बी के इक्वल होगा। और इधर की अगर मैं बात करूं तो वही चीज मैं इसे बोल सकता हूं कि ए ए इनवर्स ई के इक्वल होगा और वही चीज ए इनवर्स इंटू ए के इक्वल होगा, और इधर बी इंटू बी इनवर्स ई के इक्वल होगा और वही चीज बी इनवर्स इंटू बी के इक्वल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अपन ऐसे कुछ सोच सकते हैं ना, जरा ध्यान से देखिएगा, थॉट को पकड़िएगा अच्छे से। हाँ, अपन क्या ऐसे कुछ सोच नहीं सकते क्या, जरा ध्यान से देखना, ऐसे कुछ सोच नहीं सकते क्या, पॉइंट को पकड़ना दोस्त अच्छे से, क्या अपन ऐसे कुछ सोच नहीं सकते कि सर सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करते फिर अपन ये कैलकुलेट करते और दोनों की तरफ से हम ई निकालने का प्रयास करते। चलिए स्टार्ट करते, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले देखते हैं इस चीज को, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम कैसे डील करने वाले, ठीक है। अच्छा, मान लो हमने क्या किया, हमने इस चीज को आर मान लिया, पूरा कंबाइन इस चीज को आर मान लिया, इसको अपन ने पी मान ली और इसको अपन ने क्यू मान लिया, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये R हो गया, सही है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा दोस्त, यहां से पता चलेगा कि इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो ना, A इंटू बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बात समझ में आ रहा है, A इंटू बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये चीज आप लिख सकते हो,
सही बात है। अच्छा, तो अगर आप ये चीज लिख पा रहे हो तो यहां से आप क्या कंक्लूशन निकालोगे, देखो जरा, है ना। ये जो आपने यूज किए यहां पे, ये जो आपने यूज किए वो क्या यूज किए, बाई लिखोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियसली आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही लगाए, पी क्यू इंटू आर को आपने पी इंटू क्यू आर लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अभी अंदर ही अंदर वापस क्या मल्टीप्लिकेटिव में एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेटिव के अंडर में जी अगर ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होके ही आ रहा है ना भाई, तो एसोसिएटिव अगर सेटिस्फाई होके आ रहा है तो अंदर भी तो अपन एसोसिएटिव लगा सकते हैं ना, तो बी को बी इनवर्स के साथ मर्ज कर देते। बोले सर आप ये सब खेल क्यों खेल रहे हो, क्योंकि ये देख बी इंटू बी इनवर्स का वैल्यू ई मेरे को पता है, समझ आया, अभी समझ आ रहा है, तो ये ई इंटू ए इनवर्स हो गया। बोले सर अभी क्या करोगे, ई इंटू ए इनवर्स हो गया है ना, तो अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी अगर जी पे बिलोंग कर रहा है तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी तो जी पे बिलोंग करेगा, तो उन दोनों के लिए भी तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लिख पाएगा ना, ए इनवर्स इंटू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इनवर्स, और सिमिलरली बी इनवर्स इंटू ई बराबर बी इनवर्स इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ बी इनवर्स, ये लिख पाएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कहानी, e इंटू ए इनवर्स जो होगा वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग वगैरह दे दीजिएगा और वही चीज़ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और इसी को आपने क्या लिख दिया, e इंटू ए इनवर्स को ए इनवर्स लिख दिए बाय दिस इक्वेशन, समझ में आया। और ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, e के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला तो प्रूफ हो ही गया दोस्त, खत्म बात। अभी आप कन्वर्सली कर लो, दूसरा वाला आप कर लो, दूसरा वाला आप कर लो, आराम से आप एसोसिएटिव लगाते 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 अपने गोल तक पहुंच जाओगे। इसको पी, इसको क्यू और इस पूरा चीज को आर मान लीजिए, काम वहीं पे निपट जाएगा, सही है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स इंटू ए, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रहा है, ए इनवर्स इंटू ए को अपन ने क्या लिख दिया, ई लिख दिया, और ई इंटू बी तो बी के इक्वल होगा बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एंड बी इनवर्स इंटू बी विल बी ई बाई इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर बी एलिमेंट बी। तो यहां से दोनों इक्वेशन से ये दोनों ई के इक्वल आ गया, मतलब क्या कि दिस इक्वल टू ई इक्वल टू दैट आपने प्रूफ कर दिया। और इसी इक्वेशन से आप क्लियरली ये स्टेट कर सकते हो कि इसका जो इनवर्स होगा वो ये होगा और इसका भी इनवर्स ये होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये इनवर्स प्रॉपर्टी है ना, जहां पे ए बी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की तरह काम कर रहा है और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एक और एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो इसका जो इनवर्स हो गया वो हो गया आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बात समझ आया, क्लियर, चलो तो अभी मैं लिखा देता हूं ये चीज आपको अच्छे से, है ना। तो अब लिख लीजिएगा फटाफट, अब लिखिए, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट एंड ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी एंड ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स, मतलब ए पावर माइनस वन कॉमा बी पावर माइनस वन आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली सो दैट ये छः का छः इक्वेशन आप लिख दीजिए, ये छः का छः इक्वेशन यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, और सबको रोमन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नाउ दे करके आप ये वाला पार्ट कीजिए, ठीक है, ये वाला यहाँ पे जो इक्वेशन आप यूज़ किए हो अकॉर्डिंगली लिख देना, ठीक है। अगेन दे करके आप वही लिख देना बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब ब्रैकेट में चिपका देना, और यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ किए हो इन दोनों जगह पे वो आप लिख देना। तो ये दोनों कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे अगर छः इक्वेशन खत्म हुआ तो यहाँ पे नंबर 7 यहाँ पे नंबर 8 दे दो, तो लिख दो फ्रॉम 7 and 8 वी हैव दिस, फ्रॉम 7 and 8 वी हैव, ये लिख दो, ठीक है। देयरफोर नीचे लिख देना बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी, देयरफोर बी इनवर्स ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए बी इन जी, इन जी अंडर मल्टीप्लीकेशन और लिखने का जरूरत नहीं है, इन जी, ठीक है। देयरफोर ए बी होल इनवर्स विल बी बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि अगर ए इंटू बी आ रहा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन का बात हो रहा है, अंडरस्टूड है, और पहले तो बोल करके ही दिया है, ये चीज तो क्वेश्चन में बोल के ही देगा आपको डिनोटेड मल्टीप्लीकेटिवली, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी होल इनवर्स, ये आपने यहां से निकाल दिए, और उसी स्टेटमेंट को अगर मैं जनरलाइज कर दूंगा, है ना, जो आप इंडक्शन से इस तरीके का चीज प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही नोट आप इसी थ्योरम के नीचे लिख करके रख देना कि अगर इसी चीज को मैं जनरलाइज कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पास n एलिमेंट्स n फाइनाइट एलिमेंट्स भी अगर आ जाता है a1 से an तक,
उनका प्रोडक्ट का जो होल इन्वर्स होगा वो आखिरी से स्टार्ट होगा, ए एन इन्वर्स, ए एन माइनस वन इन्वर्स, और खत्म होगा आके स्टार्टिंग में ए वन इन्वर्स की तरह, जो प्रॉपर्टी ऊपर वाला फॉलो हो रहा है दैट इज जस्ट रिवर्स हो रहा है। ठीक, समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपका 3 और 4 मार्क का बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। और हमारा अगला जॉब जो है वो है आपका, वो है आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को प्रूफ करना, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। दैट इज आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होल्ड्स होता है, चाहे वो लेफ्ट कैंसिलेशन लो हो या फिर वो राइट कैंसिलेशन लो हो, दोनों के दोनों होल्ड होता है, उसी चीज को प्रूफ करना है अगले प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो उस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ये आप लिख लीजिएगा पूरा, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। आगे बात करते चलिए दोस्त, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में आपको ये बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर दिया हुआ है दोस्त, ए बी बराबर ए सी अगर दिया हुआ है तो आपको बी बराबर सी प्रूफ करना है। तो वही चीज़ जो आपको पहले मैंने स्टार्टिंग में नंबर 1 वाले में बताया था, वही थॉट आप अपना सकते हो। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, जहाँ पे ए बी सी सारे के सारे ग्रुप का एलिमेंट है, ए बी सी सारे के सारे अगर ग्रुप का एलिमेंट है तो 6 कंडीशन तो आपके पास ऐसे ही मिल जाएगा। क्लियर स्टेटमेंट है, अगर ए बी सी सारे के सारे ग्रुप का एलिमेंट है तो ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, होगा नहीं होगा दोस्त? ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, तीनों का इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जी ग्रुप है ना, जी ग्रुप है तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ना दोस्त। ठीक है, तो इन तीनों के लिए आइडेंटिटी इनवर्स 6 कंडीशन, इन तीनों के लिए और 6 कंडीशन, 6 6 12 कंडीशन लिखने का तो कोई जरूरत नहीं है, 12 कंडीशन तो बहुत ज्यादा हो गया, लिख के क्या करोगे, जब जब जरूरत होता है वो ब्रैकेट में लिख देना, इससे अच्छा मेरे ख्याल से, समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो 12 कंडीशन तो फोल्ड करेगा ही करेगा, है ना, ये तीनों के लिए आइडेंटिटी इनवर्स 6 और ये तीनों के लिए आइडेंटिटी इनवर्स 6 6 6 12 कंडीशन। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जो ये बहुत सारे क्वेश्चंस में भी काम आएगा आपको। ठीक है, कि ये थॉट कि कैंसिलेशन लॉ को प्रूफ कैसे करते हैं, बेसिकली मैट्रिक्स में जैसे हम प्री मल्टीप्लाई करते किसी मैट्रिक्स से या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई करते, तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है ना, कि मैट्रिक्स में जो प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई करते उस चीज़ को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो क्या है ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ए इनवर्स से यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों जगह पे, दोनों साइड में अगर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इनटू ए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब आप ब्रैकेट में खुद से लिखिएगा। ठीक है, और ये ए इनवर्स इनटू ए को मैं यहाँ पे ए इनटू बी लिखूंगा और यहाँ पे भी ए इनटू सी लिखूंगा, और ए इनटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ए इनटू बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा ना दोस्त। अगर ए इनटू बी बी के इक्वल हो जाता है तो E इंटू सी भी सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से आ गया, तो यहाँ से B और C इक्वल मिल गया, तो हो गया प्रूफ। सिमिलरली आप राइट कैंसिलेशन वाला भी राइट में इसको बोलते प्री मल्टीप्लीकेशन, और अगर हम राइट में मल्टीप्लाई करते दैट इज बी ए इंटू ए इनवर्स और सी ए इंटू ए इनवर्स करते, तब उसको बोलते पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वो करके कर सकते। अच्छा, मैं एक चीज़ गलत बोल दी आपको, स्टार्टिंग में जब प्रूफ कर रहे थे ना तो हमारे पास ये चीज़ आ गया था ना, याद करो, ये चीज़ आ गया था, मैंने आपको बोला था बुद्धू की तरह बोल दिया था ई स्क्वायर बराबर ए डे स्क्वायर, तो ई बराबर ई डैश होगा। अरे ये जब ई स्क्वायर इक्वल टू ई डे स्क्वायर होने से ई बराबर प्लस माइनस ई डैश होगा। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं आ रहा है ना, बेसिकली यहाँ से क्या आ रहा है कि ई इंटू ई बी ई ई के इक्वल होगा, है ना, कि ए इंटू ई अगर ए के इक्वल है और इस ए के जगह पे अगर जी का कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं और उसी जगह पे अगर मैं ई को पुट कर देता हूँ तो ई इंटू ई ई के इक्वल हो जाएगा और ई डैश इंटू ई डैश भी ई डैश के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो नंबर 1 वाले को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना यहाँ पे स्क्वायर करके। सेकंड थॉट जो मैंने बताया था, एक तो मैंने लिख करके दिया था अच्छे से, सेकंड थॉट जो बताया था वो इस तरीके से नहीं होता है, ये गलत चीज़ है, है ना, ऐसे होगा प्रॉपरली, है, मेरे को क्लिक नहीं किया था पहले कि आप अनाप सनाप बोल दिया था, ई इंटू ए ई के इक्वल होगा, क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो ए जो यहाँ पे आता है वो ए तो उस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है इंक्लूडिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, उसी प्रॉपर्टी से ये आ रहा है, ई इंटू ई ई के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी और सी इक्वल। ठीक है, सिमिलरली आप राइट कैंसिलेशन लो भी सेम तरीके से प्री मल्टीप्लाई ना करके पोस्ट मल्टीप्लाई करके आप प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लो। ठीक है, तो यहां पे आप लिख देना बाय प्री मल्टीप्लाइंग
by pre-multiplying with A inverse, ठीक है, with A inverse, या फिर डायरेक्टली लिख दो ना प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, और इसके पीछे और अच्छा ठीक है, मैं स्टार्टिंग में लिखा दूंगा इसके पीछे क्या लिखना है रीजन, यहां पे लिख देना बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां पे लिख देना बाई इनवर्स प्रॉपर्टी, और यहां पे लिख देना बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज किस तरीके से यूज हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो अब लिख लो, स्टार्टिंग में मैं एक लिखा देता हूं, दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा, राइट कैंसिलेशन लो, उसमें बस पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, तो लिखो लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी एंड A inverse, comma B inverse, comma C inverse be the inverse elements of A, B, C respectively. Inverse element of A, B, C respectively, where A inverse, comma B inverse, comma C inverse belongs to G. ये तीनों भी ग्रुप में belong करेगा, ठीक है? फिर आप यहाँ से start करो, now दे करके, ठीक है, और इसको कंप्लीशन में लेकर के आओ यहां तक, ठीक है, समझ में आया, और फिर नीचे लिख देना देयरफॉर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप, और सिमिलरली नीचे वाला प्रूफ करके लिख देना, अगेन दे करके नीचे वाला प्रूफ कर देना, और फिर उसके नीचे लिख देना देयरफॉर राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन अ ग्रुप, बात समझ आ रहा है, क्लियर है, तो इसी के साथ साथ आपका कैंसिलेशन लॉ प्रूफ हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे हम ये सारे प्रॉपर्टीज का खेल है, आप समझ गए होंगे ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज का खेल है, और यहां पे प्रॉपर्टीज हम इतने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे, क्यों, क्योंकि जी एक ग्रुप दिया हुआ है, अगर जी ग्रुप है तो उसमें सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो वैलिड हो जाएगा, क्लियर है दोस्त, चलो तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, अभी इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते, चलो अभी बचता हमारे पास लास्ट पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपके पास आ सकता है, ये थ्योरम जो है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको पुट किया जा सकता है, बोला जा रहा है द इक्वेशंस ए एक्स बराबर बी और वाई ए बराबर बी, द इक्वेशन ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, बहुत सही बात है, है ना, हैव यूनिक सॉल्यूशन इन जी फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, बात समझ आ रहा है, चलिए तो देखो आपको पहले तो ये प्रूफ करना पड़ेगा दोस्त कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि दोस्त सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर जाके आपको ये बताना पड़ेगा कि वो सॉल्यूशन यूनिक है, ये दोनों दो पार्ट हो जाएगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो यहाँ पे दो पार्ट है, पहले तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, एंड देन आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वही सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, समझ आ रहा है ना, वही सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली यूनिक है, वो भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, चलो तो जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बात को, कंसेप्ट को समझिएगा, प्रयास कीजिएगा, मैं पिक कर रहा हूँ अच्छे से एक एक चीज को, ठीक है, अच्छे से मैं पिक कर रहा हूँ एक एक चीज को, आप बात को समझिएगा अच्छे से, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा बात को, ठीक है, देखो अगर मैं ए एक्स इक्वल टू बी इस इक्वेशन को पिक करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्लियरली पता चलता है, अगर मैट्रिक्स इक्वेशन में आप ऐसे लिखते हो ना ए एक्स बराबर बी, तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास यहां से ए इनवर्स बी आता है, वो कैसे आता है कि ए इनवर्स से आप प्री मल्टीप्लाई कर देते हो, सिमिलरली यहां पे भी आप क्या करोगे, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर प्री मल्टीप्लाई कर देते हो तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स, और यहां से आ जाएगा ए इनवर्स बी, और a इनवर्स इंटू ए ई इंटू एक्स हो जाएगा,
और ए इंटू एक्स हो जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो सॉल्यूशन जो आ गया आपके पास वो ए इनवर्स इंटू बी हो गया, जो आपका सॉल्यूशन है और जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, चलो अभी ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी आपको यही बताना है कि यही सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया जो आपने प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत बच्चे ये भी मेरे को सवाल पूछते हैं कि सर ए इनवर्स और बी जो होगा, ए इनवर्स इनटू बी वो उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, वो आपको कैसे पता चला? ग्रुप में तो दो एलिमेंट अपने कंसीडर किए है ना, मान लो स्टार्टिंग में मैंने लिखा या नहीं लिखाऊंगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आपने कंसीडर किए। तो अगर जी ग्रुप है और ए कॉमा बी जी पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी जी पे बिलोंग करेगा, दैट इज ए इनवर्स और बी इनवर्स वो भी जी पे बिलोंग करेगा, डेफिनेटली बिलोंग करेगा, ए इनवर्स और बी इनवर्स भी जी पे बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स भी अगर जी पे बिलोंग करता है, अगर ए इनवर्स बी इनवर्स जी पे बिलोंग करता है, तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से, अपन क्या बोल सकते हैं, क्या ए इनवर्स इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा उसी ग्रुप में? इसका गारंटी क्या है? इसका गारंटी ये देखो, सोचो थोड़ा सा, सोचो चारों प्रॉपर्टी में, सोचो थोड़ा सा, क्लोजर प्रॉपर्टी का यूज अभी तक नहीं मिला, अभी मिलेगा। कि देखो ए अगर जी का एलिमेंट है और बी इनवर्स अगर जी का एलिमेंट है, या फिर आप बोल सकते हो ए इनवर्स अगर जी का एलिमेंट है और बी अगर जी का एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, हम क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं, अगर ए बी दोनों जी का एलिमेंट है तो ए स्टार बी भी तो जी का एलिमेंट होगा ना, यही तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमें सिखाता है। तो आप यहाँ पे भी यही बोल सकते हो ना कि अगर ए इनवर्स जी पे है और बी भी जी पे है, तो इन दोनों का ऑपरेशन और वो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन होगा, तो वो भी तो बिलोंग्स टू जी होगा ना, तो ये एलिमेंट भी तो जी पे बिलोंग करेगा। ये लॉजिक पहले आपको लिखना पड़ेगा, मैं लिखा के दूंगा, आप चिंता मत करो। सॉल्यूशन इसका कैसे निकाले उस चीज को समझो। वो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, वो प्रूफ हो गया कि दिस इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन, वो प्रूफ हो गया। बट अगला पार्ट जो है यूनिक वाला पार्ट, कि यही सॉल्यूशन वन एंड ओनली सॉल्यूशन है, वो प्रूफ करना बाकी है। तो वही यूनिकनेस प्रॉपर्टी को अगर आप प्रूफ करना चाहते हो, तो आप जानते हो यूनिकनेस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या करेंगे हम, ज्यादा से ज्यादा हम मान लेंगे कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, चलिए कंसीडर कर लेते। तो अगर हम मान लेते कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक्स वन और एक्स टू, जो कि दोनों के दोनों जी पे अगर बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए एक्स वन बराबर बी हो जाएगा और ए इंटू एक्स टू बराबर बी हो जाएगा। बात समझ में आया? क्लियर? अच्छा, तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से अपन इस इक्वेशन में दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी वगैरह लगने के बाद x1 का वैल्यू आ जाएगा a इनवर्स b, और सिमिलरली यहां से भी x2 का वैल्यू आ जाएगा a इनवर्स b। तो इन दोनों इक्वेशन से आप क्लियरली, आपको पता चल जाएगा कि आपका x1 और x2 जो है वो एग्जैक्टली क्या है, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो ये भी एक थॉट आपके पास हो सकता है। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, या फिर ये थोड़ा सा अगर आर्गुमेंट्री हो जाता है, तो अगर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई अगर x1 x2 आपका g का एलिमेंट है, ठीक है, तो ए एक्स वन इक्वल टू बी एक इक्वेशन होगा, ए एक्स टू बराबर बी भी एक इक्वेशन होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसी दो इक्वेशन को अगर मैं यूज करूँ, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना कि ए एक्स वन इज इक्वल टू ए एक्स टू, क्योंकि b और b इक्वल है। अब बाद में जाके इक्वेट क्यों करोगे, स्टार्टिंग में इक्वेट कर दो ना दोस्त। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में इक्वेट कर देते तो ऐसे बोल पाओगे आप, और फिर अगर अभी दोनों तरफ आप अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो कंफर्म आपको पता चल जाता है एसोसिएटिव से a इंटू एक्स वन एक्स वन हो जाएगा, यहाँ पे a इंटू एक्स टू हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया डायरेक्टली। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो आप डायरेक्टली बोल पाओगे कि आपने जो दो सॉल्यूशन कंसीडर किए थे, एजम्पशन लिए थे, वो पूरा पूरा गलत है, क्योंकि वो दोनों के दोनों सॉल्यूशन इक्वल आ गया, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा, प्रूफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको दूसरे वाले इक्वेशन के लिए प्रूफ करना है, दैट इज y इंटू ए बराबर बी के लिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। तो उसका आंसर आ जाएगा b इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और वही सॉल्यूशन को आपको यूनिक दिखाना होगा। बड़ा आसान है, मैं एक के लिए लिखा के देता हूँ, दूसरा वाला आप खुद से कर लीजिएगा। क्लियर है दोस्त? बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, लिखिए, लेट ए कॉमा बी आर एनी एलिमेंट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आर एनी टू एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी आर एनी टू एलिमेंट, देन ए इनवर्स A inverse, comma B inverse belongs to G by existence of inverse।
देन ए इनवर्स कॉमा बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. therefore a inverse b belongs to g by closure property. ठीक है. now दे करके आप यहां से कहानी चालू करो, है ना. और यहां पे ब्रैकेट में आप रीजन लिखते जाना. यहां पे क्या लिखोगे, by प्री मल्टीप्लाइंग विथ ए इनवर्स, या फिर प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स. फिर यहाँ पे लिखोगे एसोसिएटिव बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. फिर यहाँ पे लिखोगे बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. ठीक है ना. सॉरी यहाँ पे तो आइडेंटिटी नहीं, ए इनवर्स ए का वैल्यू ई लिखे, मतलब यहाँ पे बाई इनवर्स प्रॉपर्टी. और यहाँ पे आके लिखोगे बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि ई इंटू एक्स का वैल्यू एक्स के इक्वल हो गया. ठीक है. देयरफोर आप क्या बोलोगे, देयरफोर ए एक्स इक्वल टू बी, देयरफोर द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन x बराबर a इनवर्स b. therefore the equation a x equal to b has a solution x बराबर a इनवर्स b. बात समझ आया, क्लियर है. चलो अभी आपका यूनिकनेस वाला पार्ट है. नीचे लिखो let x1 comma x2 belongs to g be two distinct solution of the equation a x equal to b. Two distinct solution of the equation AX equal to B in G. In G मतलब X1, X2 दोनों G पे belong कर रहा है. ठीक है. Therefore, AX1 equal to B and AX2 equal to B. ठीक है. तो नीचे लिखो therefore AX1 equal to AX2. फिर A inverse से प्री मल्टीप्लाइंग वही रीजन लिखना, फिर एसोसिएटिव लगाना, फिर आइडेंटिटी लगाना, फिर इनवर्स लगा, फिर इनवर्स लगाना, फिर आइडेंटिटी लगाना, तो ये आ जाएगा आपके पास. और जैसे ये आ गया तो आप कंक्लूशन क्या कर दोगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स बराबर बी इन जी. ठीक है. फिर सिमिलरली दे करके अगर या तो आपके पास एक ही पार्ट पूछा जाएगा या तो आपके पास दोनों पार्ट पूछा जाएगा. अगर दोनों पूछा जाता है तो इस प्रॉब्लम के लिए तो आप फिर सिमिलरली दे करके नीचे जितना आप इस इक्वेशन के लिए किए हो उतना आप वाई ए बराबर बी के लिए भी करोगे. बस चेंजेस एक ही चीज आएगा कि उधर पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्री मल्टीप्लाई नहीं. ठीक है. तो पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स. ठीक है. तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से आप काम निपटा दोगे, आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं. बोला ठीक है. तो और क्वेश्चन में अगर एग्जाम में अगर एक पूछा जाता है तो एक ही करोगे, है ना. ऐसा मत करते ना कि एक पूछा है कि दोनों करके आ गए रटफट के चले गए. समझ में आ रहा है ना. तो समझ के थोड़ा सा समझ के साथ आप कीजिएगा, है ना. और दूसरा वाला आप कॉपी में लिख दीजिएगा अच्छे से मेहनत करके. ठीक है. दूसरा वाला आप कॉपी में अच्छे से लिख दीजिएगा मेहनत करके, वाई ए बराबर बी वाला पार्ट. ठीक है. तो मेरे ख्याल से ये बेसिक ग्रुप्स के रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स आते हैं उनको मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, है ना. और नोट्स भी प्रॉपरली आपका बन गया होगा अगर आप लेक्चर को एक क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह फील कर करके समझ रहे हो तो. ठीक है. पेन पेपर टेबल में ले करके बैठ के बिल्कुल लेक्चर आपको देखना चाहिए. उसी क्या बोलूँ मैं फ्लेवर के साथ लेक्चर बना रहा हूँ. ठीक है. एकदम से बोर्ड में सब कुछ अगर लिख के दे दूंगा तो भी आपको लगेगा कि मतलब तो भी ठीक नहीं रहता है ना. बच्चा लोग क्या करता है कि स्क्रीनशॉट ले करके वो लिख देता है. ठीक है. और अगर बच्चे ऐसे कर सकते हैं तो आप तो बड़े हो, आप तो और भी महारती हो, आप तो कर भी सकते हो ऐसे. समझ में आया ना. इसीलिए डिक्टेट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है, है ना. बट अगर यही बोर्ड मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो शायद मैं डिक्टेट ना करके वही पीपीटी बना के ही पढ़ा रहा होता. ठीक है. सही बात है. ठीक है ना. तो बट बोर्ड में लिख लिख के एक एक चीज़ एक एक थ्योरम लिख लिख के डिटेल में देना ये मेरे लिए थोड़ा सा ऑड सिचुएशन है, है ना. और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ऑड है क्योंकि आप तो पूरा आराम हो जाएगा. आप भले लेक्चर देखोगे भी नहीं पूरा, ये मेरे को नहीं पता. मतलब ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ. ये आप ही समझ रहे होंगे मेरे को व्यू अगर 10 व्यू आए या 5 व्यू आए मेरे को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता उससे. ठीक है. या फिर अगर 500 व्यू आए उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है.
तो चलिए ये सारे के सारे थियरम्स जो है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट हकीकत में एक्सप्लेन कर पाए या नहीं वो तो अपन जब क्लास में मिलेंगे तभी जा करके पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम थियरम वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लिए ग्रुप के ऊपर, अभी हम ग्रुप्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछा गया 3 to 4 मार्क का तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, या फिर और भी वैरायटीज किस प्रकार के क्वेश्चंस ग्रुप्स में पॉसिबल हो सकता है, उन सारी चीज़ को हम डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं अकॉर्डिंगली, है ना, और उनको समझते हैं अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ टोटल 13 क्वेश्चंस लिख के रखा, देखो ग्रुप से अगर क्वेश्चन आया ना दोस्त, 99% चांस है इनमें से ही कोई एग्जैक्टली आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाहर भी अगर कुछ भी आता है आप करके आओगे गारंटेड, मान के चलो। ठीक है, क्योंकि सारे प्रकार के कंसेप्ट अपन ने कवर कर चुके हैं यहाँ पे। तो कुछ क्वेश्चन हम करके देंगे, कुछ आपके लिए तोहफे में देंगे, ठीक है, वो तोहफा आपको कबूल करना होगा और अपन वो सारे के सारे चीज़ क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक, बट बेसिक जितना भी थॉट चाहिए आपको इन प्रॉब्लम्स को करने के लिए वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगा, बता के दूंगा। आंसर राइटिंग का टेक्निक कि आंसर कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ईमानदारी से काम कर लीजिएगा जैसे आपको चीज़ें बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैं एक आध क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के रखा ताकि आपको समझा पाऊँ कि आंसर कैसे राइट करते हैं, उसके बाद से अपन एक्सप्लेन करेंगे और डिटेल जो आंसर राइटिंग के साथ जो सॉल्यूशन है वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है पूरा पूरा, उसमें तो प्रोवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पूरा होमवर्क दे देंगे, कुछ क्वेश्चन हम करके देंगे और हम करके देने के बाद वो क्वेश्चंस आपको खुद को लिखना पड़ेगा, और जो पूरा पूरा आपका होमवर्क है वो तो पूरा आपको ही लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले चेक करूंगा क्लास में कि किसने प्रॉपरली लिखा है, कैमरा ऑन करके आप आराम से चेक किया जा सकता है। अगर चेक करने के बाद मिलता है कि आप लिखे हो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अदरवाइज आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा। पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो वो PDF लेके भी आप क्या करोगे, अपना मोबाइल में ही रख के फालतू आपका मेमोरी खराब करेगा यार। चलिए देखते पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। बोलता है द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का सेट जानते हो क्या है, 1 - 1 iota - iota, ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। तो बोल रहा है कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी एक अबेलियन ग्रुप बनाता है मल्टीप्लीकेशन के अंडर में, ये प्रूफ करो। मतलब अबेलियन ग्रुप अगर है तो पांचों के पांचों प्रॉपर्टी प्रूफ करना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कॉम्यूटेटिव। ये पांचों के पांचों प्रॉपर्टी अपने को प्रूफ करना पड़ेगा और वही कैसे करना है जो कि आप सीखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, देखते पहले लर्न करते चीज़ों को। अगर मैं बोलूँ क्लोजर, तो क्लोजर होने से क्या होगा, अगर आपका ये सेट है, अगर ये आपका सेट है दोस्त, अगर ये आपका सेट है तो इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट अगर मैं पिक करता हूँ और उसी ऑपरेशन के अंडर पे ऑपरेट करता हूं तो जो आंसर है वो उसी सेट का एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसी चीज को एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से बहुत आसानी से समझा सकते हो। अगर यहां पे एडिशन होता तो एडिशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। देखो हम दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं ऐसे बोल सकते हो। तो एक सेट को इधर लिख दो और वही सेट को इधर लिख दो, फिर आपको पता चल जाएगा ना कि कितने टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे होगा, 24 यहाँ पे होगा, सॉरी 16 होगा। 1 × 1 1 1 × -1 -1 1 × iota iota 1 × -iota - iota। क्यों इंटू कर रहे हो, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन दिया गया है जो मैंने यहाँ पे लिखा भी, -1 × 1 - 1 - 1 × -1 1। सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लाई कर करके इससे चार, इससे चार, तो टोटल 16 आया आंसर। और ये 16 के 16 आंसर देखो इसी एलिमेंट का कोई ना कोई, सॉरी इसी सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है। मतलब मैं क्लियरली ये प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि अगर ए और बी जी का कोई एलिमेंट है तो जो ए स्टार बी और स्टार के जगह पे मल्टीप्लीकेशन आएगा वो जो आंसर होगा वो भी जी पे बिलोंग कर रहा है। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। और उसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, फ्रॉम द टेबल वी सी दैट जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, द सेट इज क्लोज्ड अंडर। अगर कोई सेट किसी ऑपरेशन के अंडर पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, द सेट इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन। ठीक है, तो वही जी इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी एसोसिएटिविटी अगर प्रूफ करने जाए इसी तरीके से तो क्या ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है,
यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल के मदद से कर लिए, एसोसिएटिविटी में क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी में तो तीन आएगा, तो उस जगह पे सिर्फ लिख करके छोड़ देंगे, कुछ करने का खास जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे अगर हर जगह पे करने चले जाए मैनुअली तो काम बिगड़ जाएगा, कैसे आप करोगे। एसोसिएटिविटी तो होगा ही ना, मल्टीप्लीकेशन है, ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी, ये तो होना ही है, वन इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा विल बी वन इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये इक्वल होगा, तो एसोसिएटिव तो होगा ही, ये तो कन्फर्म में समझ ही आता है आपको, तो डायरेक्टली लिख दो एसोसिएटिव नहीं होगा किस केस में, डिवीजन सब्ट्रैक्शन के केस में। वी नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कम्प्लेक्स नंबर का एसोसिएटिव ऑपरेशन है, हमें पता है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख दिए, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एसोसिएटिव इन जी, दैट इज ए बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, दैट इज जी, क्लियर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी निपट गया। अभी आता है आइडेंटिटी के बारे में, मल्टीप्लीकेशन अगर प्रॉपर्टी है आपका ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन होगा, तो ए इंटू वन तो ए हर जगह पे होता है, चाहे आपका ए कोई भी चार में से कोई भी एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ये भी आप डायरेक्टली लिख दोगे तो काम चल जाएगा। द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी वन बिलोंग्स टू जी, बिल्कुल सही, सच दैट वन इंटू ए बराबर ए इज इक्वल टू ए इंटू वन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। अगर आप यहाँ पे चार अलग अलग करके लिखना चाहते हो तो लिखो, बट ये मैनुअल प्रोसेस हो गया, आप कहाँ तक लिखोगे, अगर मैं दो एलिमेंट बढ़ा देता हूँ तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, तो इसीलिए अपन डायरेक्टली लिख दिए वन इंटू ए बराबर ए इज इक्वल टू ए इंटू वन, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट इनवर्स प्रॉपर्टी में हमें थोड़ा मैनुअली काम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट तो हर इंडिविजुअल एलिमेंट का एग्जिस्ट करता है ना, तो हर एक 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 एलिमेंट का इनवर्स आपको चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूँ वन का एलिमेंट इनवर्स, तो वन का इनवर्स तो वन ही होगा, क्योंकि वन इंटू वन वन है ना, आप ऐसे करके देख सकते हो ना, इनवर्स का मतलब क्या, ए बी इक्वल टू ई, अभी ई वन हो गया और ए के जगह पे एक एक एलिमेंट पुट करते जाओ और बी निकालते जाओ, तो चारों के चारों जो आएगा वो इसी सेट का एलिमेंट होगा, वन का इनवर्स हो जाएगा वन, माइनस वन का हो जाएगा माइनस वन, आयोटा का हो जाएगा माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का हो जाएगा आयोटा, खत्म बात, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इन जी हैज इट्स इनवर्स इन जी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, तो ये ग्रुप तो हो गया, जी इज ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन, ग्रुप तो प्रूफ हो गया। अभी अपने को क्या प्रूफ करना है, एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूफ करेंगे, देखो बस कॉम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे चार में से अगर दो दो एलिमेंट पिक करना चाहते तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 4C2 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, दैट इज 6 कॉम्बिनेशन बन जाएगा। एक बार आप 1 के साथ माइनस 1 ले सकते हो, 1 के साथ आयोटा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी बराबर बी ए दिखाना, तो एक बार 1 के साथ माइनस 1, एक बार 1 के साथ आयोटा, एक बार 1 के साथ माइनस आयोटा, फिर माइनस 1 के साथ आयोटा, फिर माइनस 1 के साथ माइनस आयोटा, फिर आयोटा के साथ माइनस आयोटा, तो ऐसे 6 प्रॉपर्टी बनेगा, 6 इक्वेशन बनेगा ए बी इक्वल टू बी ए का। तो मैंने दो लिख के डॉट डॉट देके छोड़ दिया, आप रिमेनिंग चार कंप्लीट कर लेना, दैट इज ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, प्रूफ हो चुका है, मतलब एबिलियन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, और ये जी जो ग्रुप था पहले वो ग्रुप एक एबिलियन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, बात समझ आ रहा है, क्लियर। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा अगर 4 मार्क का या 3 मार्क का प्रूफ आपको पूछा जाता है, और अगर चेक करने बोला जाता है तब तो आप आराम से खुद ही चेक कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लास्ट क्लास का एग्जाम्पल है, बस लिखते कैसे वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, क्लियर, समझ में आया। तो अगर मैंने 1 का रोमन 1 करके दिया तो आप ये कैसे मेरे से उम्मीद कर सकते हो कि 1 का रोमन 2 भी मैं करके दूंगा, क्योंकि बस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया यहाँ पे, यहाँ पे बस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, तो यह तो आप उम्मीद ही मत करना कि ये मैं करके दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सेम टेक्निक होगा लिखने का, सब कुछ है ना, बस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और वो भी आपका एबिलियन ग्रुप ही होगा, कन्फर्म है। अपन चलते अगले क्वेश्चन में, है ना, और nth रूट वाला आपको करा के देते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ये कराते देते, फिर मैट्रिक्स का 3 क्वेश्चन है मैट्रिक्स के अंडर में, उधर एक क्वेश्चन करा के देंगे, फिर ऑपरेशन चेंज करके और 3 क्वेश्चन दिया मैंने, उधर एक करा के देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सारे वैरायटी का एक एक करा के देंगे, रिमेनिंग आपका होमवर्क रहेगा, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए देखो, नंबर 2 में बोला जा रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी nth रूट ऑफ यूनिटी का चीज आपको आता है या नहीं आता वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि नॉन सीबीसीएस में ना
फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ट्रिग्नोमेट्री होता था, जिसमें डी मॉयवर्स थ्योरम बहुत अच्छे से, यूलर्स थ्योरम, डी मॉयवर्स रूल, ये सारे सारे अपन बहुत अच्छे से बातचीत करते थे। बट अभी जो आपका सिलेबस है ना, अभी तक मेरे को नहीं लगता कि 10+2 सिलेबस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में या ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी आपको डी मॉयवर्स थ्योरम मिला होगा। एनसीईआरटी लेवल में अगर आप जेई का तैयारी किए हो अच्छे से, आईटी जेई का जो अपन हमेशा करा, वो तब तो आप किए होंगे, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट वो भी आप सिर्फ ऊपर ऊपर किए होंगे, अप्लाई करना जानते होंगे, डिटेल में प्रूफ वगैरह मेरे को नहीं लगता है कहीं पे भी कराया जाता होगा। तो वही चीज़ आपको समझना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो डी मॉयवर्स थ्योरम अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है फर्स्ट से लेकर के थर्ड सेमेस्टर तक, कहीं पर मेरे को नहीं लगता कि डी मॉयवर्स थ्योरम आपको पढ़ाया गया होगा। तो उसका बस इंट्रोडक्शन में आपका एक्सप्रेशन बोलूँगा और कुछ नहीं बोलूँगा, पहले मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी का गलती है, मेरा गलती नहीं है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे को आप शेयर कर सकते हो, मैं अपना लेक्चर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ई पावर आयोटा थीटा जो होता है वो कोसाइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज योर यूलर रूल। ये बिल्कुल आप कॉस थीटा, साइन थीटा और ई पावर एक्स का एक्सपांशन से प्रूफ कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप मुझे पूछना चाहते हो मुझे पूछ लीजिएगा क्लास में, मैं बता दूंगा। अगर मेरे को नहीं पूछना है, इंटरनेट अवेलेबल है, देख लीजिएगा यार, क्या दिक्कत है। और डी मॉयवर्स रूल जो होता है वो ये होता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज टू पावर एन जो होता है उसको हम लिखते हैं कोसाइन ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। बात समझ में आया? तो ये होता है आपका डी मॉयवर्स थ्योरम, ठीक बात, कोई खास दिक्कत नहीं यहाँ पे। आगे बात करते हैं, ये आप नोट करके रख देना। सवाल में बोला गया है द सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ये एक एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर n का, वो हमें प्रूफ करना है। तो चलिए कैसे प्रूफ करते देखते हैं। nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या? x टू दी पावर n बराबर 1 का सॉल्यूशन। nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्या? x टू दी पावर n बराबर 1 का सॉल्यूशन। इसका मीनिंग हो जाएगा आपका 1 टू दी पावर 1 अपॉन एन। अभी 1 को अपन क्या लिख पाएंगे? कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। और कॉस 0 ना लिख के अगर जनरल आर्गुमेंट पे मैं इसको लिखूं तो मैं उसको 2r पाई लिखूंगा प्लस आयोटा साइन 2r पाई लिखूंगा। और जहां पे मैं ये बोल दूंगा कि r एक इंटीजर है, r क्या है? r एक इंटीजर है। तो यहाँ पे कोई भी r का इंटीजर वैल्यू पुट करके देखो, इसका आंसर 1 ही आएगा, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बकायदा आता है तो। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उसको लिख देंगे e टू द पावर ट्वाइस आयोटा थीटा, और ये हो जाएगा आयोटा 2r पाई बाई n। अभी n तो देख दो कांस्टेंट है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम क्या क्यों ना इसी सॉल्यूशन को, क्योंकि सॉल्यूशन जब तक नहीं निकालेंगे सेट कैसे निकालेंगे? याद करो ना, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब में तो अपन ने पहले सॉल्यूशन निकाले थे ना। तो इस चीज को कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूं होल पावर आर, ठीक है। तो ये जो चीज है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जिसको मान लो मैं अल्फा मान लेता हूं, जिसको मैं क्या मान लेता हूं? अल्फा मान लेता हूं, जहां पे अल्फा जो होगा वो e टू दी पावर आयोटा 2 पाई बाई एन होगा और r जो होगा वो इंटीजर होगा, ठीक है। तो x जो भी आएगा वो अल्फा पावर r के फॉर्मेट में आएगा, जहां पे अल्फा तो कांस्टेंट होगा बट r क्या होगा? वेरिएबल होगा। r कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से, मान लो r का वैल्यू 0 हो सकता है, nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो n सॉल्यूशन आएगा, टोटल n सॉल्यूशन आएगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का 4 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 3 है, तो nth रूट ऑफ यूनिटी का टोटल n सॉल्यूशन आएगा। अगर n सॉल्यूशन आता है आपके पास डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली r का वैल्यू अगर आप 1 से स्टार्ट करते हो तो n तक लेके जाना पड़ेगा, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हो तो, हाँ 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 1 तो एक सॉल्यूशन है ही ना, तो अल्फा टू दी पावर 0 ही तो 1 आएगा ना। तो अगर r 0 से स्टार्ट होता है तो खत्म कहां पे होगा? n पे थोड़ी ना होगा, क्योंकि 1 से n तक n सॉल्यूशन होता है, अगर 0 इंक्लूड कर दोगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो n माइनस 1 पे खत्म होगा, ठीक है। देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे सेट g बराबर r का वैल्यू वेरी करते करते कहां तक लेके जाएंगे? अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इज द सेट ऑफ
इज द सेट ऑफ ऑल एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑफ ऑल एनथ रूट्स ऑफ यूनिटी वेयर योर अल्फा इज ई टू द पावर आयोटा 2π/n. बात समझ आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपका सेट मिल गया, ये आपका सेट मिल गया, ठीक है. यहाँ पे वो नहीं बोला गया है आपको, ऑपरेशन नहीं दिया गया है, वही मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऑपरेशन क्यों नहीं दिया गया. ऑपरेशन अगर है भी तो क्या है, क्वेश्चन में भी ऑपरेशन मिसिंग है, तो ऑपरेशन मैं लगा देता हूँ. ऑब्वियसली यहाँ पे मिसिंग होगा, अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ऊपर वाला भी मल्टीप्लिकेशन था, और अगर ये एबेलियन ग्रुप होता है तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ही होगा. तो ऊपर वाला तो आपके पास चार एलिमेंट था, बट यहाँ पे तो आपके पास एन एलिमेंट्स है. इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है. तो अगर मैं देखूँ लिखने का तरीका, तो आप लिखोगे मैं एक्सप्लेन करूँगा. ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था जो शायद आपको पता नहीं था, तो मैंने आपको सिखा दिया अच्छे से विद द हेल्प ऑफ यूलर रूल एंड डी मॉयवर्स थ्योरम. अभी अगर यहाँ पे ये चारों के चारों इस सेट में मल्टीप्लीकेशन के अंडर पे आपको वो चारों चीज प्रूफ करना है, दैट इज एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, पांचों के पांचों चीज, आइडेंटिटी, इन्वर्स एंड क्लोजर, तो अब क्या करोगे? अब सबसे बोलोगे, पहले बोलोगे कि मान लो मैं ए और बी दो एलिमेंट ले लेता हूँ जी पे. अगर ए और बी जी का दो एलिमेंट होता है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ना दोस्त कि आप ये कंफर्म बोल सकते हो कि अगर ए और बी जी का एलिमेंट होता है तो ए और बी एनथ रूट ऑफ यूनिटी में से कोई ना कोई होगा. जितने भी एन रूट्स हैं उनमें से कोई ना कोई दो होगा. तो डेफिनेटली ये दोनों के दोनों इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. अगर ये एनथ रूट ऑफ यूनिटी है तो वो ए टू दी पावर एन बराबर वन और बी टू दी पावर एन बराबर वन, इन दोनों को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, क्योंकि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू वन का सॉल्यूशन है. तो अगर सॉल्यूशन है तो ये भी सेटिस्फाई करेगा. तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या अपन ऐसे लिख पाएंगे, ए बी होल टू दी पावर एन बराबर वन. तो अगर ए और बी जी में है तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ए बी जो है इज अ रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एन बराबर वन. तो अगर ए बी एक्स टू दी पावर एन बराबर वन का एक रूट हो जाता है तो क्लियरली अपने को पता चल गया कि ए बी जो होगा वो उसी सेट में बिलोंग करेगा. क्यों? क्योंकि इस सेट में जो भी चीज है वो तो इसी इक्वेशन का रूट है ना. तो अगर ए बी इसका रूट है तो ए बी इस सेट में बिलोंग करेगा ऑब्वियसली. तो ए बी बिलोंग्स टू जी हो गया. तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है और ए बी बिलोंग्स टू जी मिल जाता है तो जी जो होगा वो क्लोज्ड हो गया अंडर मल्टीप्लीकेशन. सिंपल सी बात है, इसको कंस्ट्रक्ट करके अच्छे से लिखना आपका काम है. मैं हेल्प करूंगा, मैं चेक करने के बाद, सबका कॉपी चेक करने के बाद मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, डिटेल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बट वो चेक करने के बाद करूंगा. लर्निंग होना चाहिए, रट्टाबाजी नहीं चलेगा. यहां पे रट्टाबाजी चलना है तो दूसरे जगह पे जाओ, उधर हो जाएगा, है ना. बचपन में लोग रटते तो चलो एक चीज समझ आता है, गणित पे आकर के अब रट्टाबाजी कर रहे हो या फिर करा रहे हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. तो पढ़ा क्यों रहे? सेमेस्टर के पहले दिन ही नोट्स पकड़ा तो जरा और खत्म, बात समझाने का कोई जरूरत ही नहीं बोला. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सिंपल सी बात है, रट्टू तोता थोड़ी ना है, अपन इंसान है यार, दिमाग है, सब सोच सकते. चलो, जी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक बात है. अभी अगर क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बारी आया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पहले की तरह अगर डायरेक्टली लिख दिए तो भी थोड़ा सा ऑड लगता है, क्योंकि यहां पे आप प्रूफ कर सकते हो. कैसे? मैं दिखाता हूं. मान लो ए बी सी आपका सेट का तीन एलिमेंट है, ए बी सी आपका सेट का तीन एलिमेंट है. अगर ए बी सी आपका सेट का तीन एलिमेंट है तो ए को आप मान सकते हो ना अल्फा टू दी पावर आर मान लो, बी को आप मान लो अल्फा टू दी पावर कुछ भी पी मान लो, है ना, और सी को मान लो अल्फा टू दी पावर क्यू मान लो. ठीक, क्योंकि ए बी सी अगर जी का एलिमेंट है तो ए बी सी इसी फॉर्मेट में होगा दोस्त, ठीक है ना. वेयर आर पी क्यू बोथ बिलोंग्स टू द रेंज 0 से एन माइनस वन. पावर है ना, पावर तो 0 से एन माइनस वन तक ही वेरी कर रहा है. लिखना है तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंगली. अल्फा कौन है वो तो जानते ही, ऊपर आप लिख चुके हो, और इनका वैल्यू वेरी करेगा 0 से एन माइनस वन तक. ठीक, चलो. अभी अगर मेरे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो मैं ये निकालूंगा. तो ये अगर निकालता हूं तो मेरे पास ऐसा कुछ कुछ आएगा ना. तो अल्फा टू दी पावर आर प्लस पी, और वो चीज जब अल्फा टू दी पावर
क्यू से प्रोडक्ट होगा तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस है, अल्फा टू दी पावर आर इंटू अल्फा टू दी पावर पी प्लस क्यू हो जाएगा। और इसी चीज को ऐसे आप लिख सकते हो, दैट इज ए इंटू बी सी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं बचेगा। तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई अगर हो गया दोस्त, तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी पे जा सकते हो। आइडेंटिटी अगर जाना है तो आइडेंटिटी पे आप क्या बोलोगे, ये मल्टीप्लीकेशन अगर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, वन होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो ना, इस सेट का कोई भी एलिमेंट को अगर वन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वही एलिमेंट एग्जैक्टली मिल जाएगा, मतलब उसी सेट का एलिमेंट मिलेगा और वही सेम एलिमेंट हो जाएगा। तो ए इंटू ई बराबर ए यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, तो आइडेंटिटी भी ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। इनवर्स का अगर बात करें तो इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का अगर बात करें तो इनवर्स क्या होगा, आप खुद सोचो ना। इनवर्स का अगर बात करें तो इनवर्स क्या होगा, आप ऐसे सोच सकते हो ना कि मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, जगह नहीं। अगर मैं बोलूँ ए का इनवर्स मुझे निकालना है, ए बिलोंग्स टू जी है, अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो अगर मैं बोल देता हूँ इसका इनवर्स बी है तो क्या होना पड़ेगा, ए इंटू बी वन के इक्वल होना पड़ेगा। तो बी जो आएगा वो वन बाई ए आएगा, मतलब वन बाई ए जो होगा वो इसका इनवर्स होगा, और वन बाई ए इसका इनवर्स होगा भी। आपको तो पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी के थ्रू कि वन बाई ए को इसका इनवर्स होना पड़ेगा, ए का इनवर्स। अभी ये बताना पड़ेगा ना कि ये इनवर्स एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है, वो भी तो दिखाना पड़ेगा। तो वो कैसे दिखाएंगे, जरा ध्यान से देखो, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट तो कर रहा है बट उस सेट में अगर बिलोंग नहीं किया तब तो इनवर्स प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा ना। तो ए टू दी पावर एन बराबर अगर वन है तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं ना, इसको अगर नीचे लेके चला जाता हूं तो वन बाई ए होल टू दी पावर एन भी वन है। मतलब क्या कि वन बाई ए इज अ रूट ऑफ एक्स टू दी पावर एन बराबर वन। अगर वन बाई ए टू दी पावर एन बराबर वन हो रहा है तो वन बाई ए को इस इक्वेशन का रूट बोल सकते हैं। अगर वन बाई ए इस इक्वेशन का रूट है तो वन बाई ए क्या हो जाएगा दोस्त, अगर 1 बाई ए इस इक्वेशन का रूट है तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, किसका, a का। तो a बिलोंग्स टू g है, मतलब g का हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो उसी सेट में बिलोंग करेगा, वो भी प्रूफ हो गया। ठीक है, और लास्ट में बचता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। a इंटू बी बराबर बी इंटू ए, बस लिखना ही है। कहीं से भी कोई भी दो एलिमेंट अगर पिक करते हैं तो वो क्या होगा, वो उसी सेट में बिलोंग करेगा। बात समझ में है ना, वो उसी सेट में बिलोंग करेगा, है ना। तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना, वो ऑब्वियसली हमेशा होगा ही। ठीक है, क्योंकि अल्फा टू दी पावर r इंटू अल्फा टू दी पावर s इज इक्वल टू अल्फा टू दी पावर s इंटू अल्फा पावर r, इसको अपन आराम से बोल सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, और इसी जगह से इजीली प्रूफ हो जाता है कि ये एबिलियन ग्रुप होगा। बात समझ आ रहा है। तो इस रफ कैलकुलेशन को तो आप जरूर नोट करके रखो, बट इसको आपको फेयर में कन्वर्ट करना होगा। आपका एफर्ट्स मैं जरूर देखूंगा, देन मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। चीजों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे करते, नहीं तो कितना क्वेश्चन याद करोगे, थक नहीं जाओगे। अगले क्वेश्चन करते, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोलता है कि ये मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन तो सेम नहीं है, ये तो प्लस टू में पढ़ के आए हो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंडर पे ये एक एबिलियन ग्रुप, ग्रुप तो है, प्रूफ करना है, और क्या ये एबिलियन ग्रुप है कि नहीं ये भी बताना है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो ये है सेट ऑफ ऑल मैट्राइसिस, यह है सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस, मतलब एक सेट है हमारे पास जहां पे सिर्फ मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स है, उस सेट का हर एक एलिमेंट एक एक मैट्रिक्स है, और ऑपरेशन है, और वो मैट्रिक्स ऑब्वियसली इस फॉर्मेट में है जहां पे थीटा वेरी कर रहा है। ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो आपको चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, प्रूफ ग्रुप तो प्रूफ करना है, और एबिलियन है कि नहीं चेक करना है। तो अगर मैं बोलूं कोई भी दो एलिमेंट अगर मैं यहां पे कंसिडर करने का कोशिश करूं, तो मान लेता हूँ ए अल्फा एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है ए बीटा, तो ये दोनों जी पे बिलोंग कर रहा है, हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। ये दोनों के दोनों क्या कर रहा है, जी पे बिलोंग कर रहा है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये दोनों के दोनों जी पे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अंडर पे ये दिखाना होगा कि ए अल्फा इंटू ए बीटा जो होगा वो भी उसी सेट का
एक एलिमेंट है, मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस में उसी फॉर्मेट का एक एलिमेंट है। थीटा वेरी कर सकता है बट इसी फॉर्मेट में आना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही होगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर मैं इधर बात करूं तो ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा, और इधर कॉस बीटा। तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। फिर यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। बाकी दोनों करके देख लेना आप, मेरे को क्लियरली दिख चुका है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा आएगा और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा आएगा। तो अब ध्यान से देखो, ये मैट्रिक्स भी इसी फॉर्मेट में है जहां पे अल्फा प्लस बीटा आ गया बस थीटा के जगह पे। तो इसको मैं ए अल्फा प्लस बीटा का नाम दे सकता हूं। मतलब क्या यहां से कि मतलब दोनों एलिमेंट को मैंने उस सेट से, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस से, दो सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस कौन है, जी जी कौन है, सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस। अगर मैं सेट ऑफ ऑल मैट्राइसेस से दो एलिमेंट पिक किया जो कि अपने आप में दो मैट्रिक्स होगा, उन दोनों को मैंने प्रोडक्ट किया अंडर द गिवन ऑपरेशन विच इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, करने के बाद जो एलिमेंट आया वो तो उसी सेट का एक एलिमेंट आया ना। बोलोगे उसी सेट का एलिमेंट कैसे आया, उस सेट में तो सिर्फ मैट्रिक्स है। हाँ तो आया तो मैट्रिक्स ही। अच्छा मैट्रिक्स है तो कैसा मैट्रिक्स है, इसी पैटर्न का मैट्रिक्स है, तो इसी पैटर्न का मैट्रिक्स ही आया ना। थीटा तो वेरिएबल है, थीटा तो वेरी करेगा, थीटा वेरी कर करके ही तो अलग अलग एलिमेंट बना रहा है ना इस सेट का। सिंपल सी बात है, ये तो समझ ही रहे हो दोस्त। तो हम क्या बोल पाएंगे दोस्त कि ए अल्फा इंटू ए बीटा जी पे बिलोंग कर गया। तो अगर ये दोनों जी पे बिलोंग करता है और उनका ऑपरेशन दैट इज उनका प्रोडक्ट भी अगर जी पे आ गया, क्योंकि ऑपरेशन यहां पे स्टार यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो ये क्लोज्ड हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अभी चलते हम कहां पे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। एसोसिएटिव यहां पे तीन चीज ले लेते हैं, तीन चीज कंसीडर कर लेते हैं, गामा भी मान लेते हैं जी पे। तो ए अल्फा इंटू ए बीटा ए गामा, ठीक है। तो अभी अभी आपने निकाले दोनों का प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा में चला गया, तो ए बीटा इंटू ए गामा आ जाएगा ए बीटा प्लस गामा में, और वापस इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, और इसी चीज को आप ऐसे ब्रेक कर दो, तो यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने प्रूफ हो गया, दिखा दिए ना, सिंपल सी बात है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, आगे आता है हमारे पास क्या, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अगर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, वन हो जाएगा। बट अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। या प्लस टू लेवल में पढ़ के आए हो, याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है ना, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर मैट्रिक्स एडिशन का बात करें तो कौन हो जाएगा, जीरो ना जीरो के जगह पे आ जाएगा नल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चल तो अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट का बात करूं यहां पे, तो यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा दोस्त, इधर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाना है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू को, क्योंकि ये मैट्रिक्स तो ऑर्डर टू का है ना, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू हो जाएगा यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट। सच दैट होना क्या है कि ए अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए अल्फा एंड इज इक्वल टू आई इंटू ए अल्फा। अभी क्या ये हो रहा है या नहीं आपको दिखाना होगा, है ना, ऐसे आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, आपको दिखाना होगा कि ए अल्फा आप करके देख लीजिएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 1 0 0 1। ये करने के बाद क्या आ रहा है, कॉस अल्फा यहाँ पे माइनस साइन अल्फा सेम आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है साइन अल्फा और यहाँ पे आ रहा है कॉस अल्फा, मतलब ये एक इक्वल आ रहा है, तो प्रूफ हो गया। सिमिलरली आई इंटू ए भी करके दिखाना पड़ेगा, है ना, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। अभी आखिरी पोर्शन आता है और वो है आपका इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स होगा कि नहीं होगा वो भी देखना पड़ेगा दोस्त, देखना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, क्लियर है दोस्त। चलो
सही बात है। चलो तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं तब देखोगे इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए स्टार बी किसके इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अच्छा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे स्टार की जगह पे आ जाएगा इनटू, ठीक है, बी को मान लेते हैं कोई भी दूसरा, मान लो बी एक बी मैट्रिक्स हो गया, ऑब्वियसली इनवर्स एलिमेंट तो मैट्रिक्स ही होगा, और ए के जगह पे ए अल्फा मान लिया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं ए के सफिक्स में इस तरीके से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए जीरो लिख सकता हूँ ना। देखो क्यों, क्योंकि कॉस जीरो वन है, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो और कॉस जीरो वन, तो अगर थीटा यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं ए जीरो बोल सकता हूँ डेफिनेटली, ठीक है, ए जीरो बोल सकता हूँ। और बी को मैं बी ना लिख करके मान लो कुछ भी बोल देता हूँ, ए बीटा बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल गया, ए अल्फा इंटू ए बीटा तो पहले ही आप निकाल के रख दिए, ए अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा प्लस बीटा ए जीरो के इक्वल होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आप जीरो बोल सकते हो, तो बीटा जो होगा वो माइनस अल्फा होगा, दैट इज ए बीटा जो होगा वो ए माइनस अल्फा के इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आया, सच दैट ये तो आपका ये कौन मिल गया, ये मिल गया आपका इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए अल्फा, ए अल्फा का इनवर्स एलिमेंट हो गया। अभी आपको क्या दिखाना है कि यही इनवर्स एलिमेंट उस सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो कैसे दिखाएंगे हम, ए माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा है ना, साइन ऑफ माइनस अल्फा, माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा और कॉस ऑफ माइनस अल्फा। सही बात है दोस्त, सही बात है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली अपन ये चीज़ टैकल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं खास इसमें है ना, कि ये तो बेसिकली उसी सेट का फॉर्मेट है ना, बस थीटा के जगह पे माइनस अल्फा आ गया, तो ये तो जी पे बिलोंग करेगा ही करेगा, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आया ना। तो आपका इनवर्स एलिमेंट जो है वो जी पे बिलोंग भी कर गया और एग्जिस्ट भी कर रहा है, प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा प्रॉपर्टी, बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज नथिंग बट ए जीरो इज इक्वल टू माई ए माइनस अल्फा इंटू ए अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे सच दैट देकर के आप ये चीज़ ना दिखा के और डायरेक्टली आप वो चीज़ दिखा दो, मेरे ख्याल से ये ना दिखा करके ये दिखा दो कि ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा कैलकुलेट कर लो, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन ऑफ माइनस अल्फा साइन ऑफ माइनस अल्फा कॉस ऑफ माइनस अल्फा, तो ये आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा क्या हो जाएगा दोस्त, वन हो जाएगा, फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो हो जाएगा, फिर साइन कॉस माइनस साइन कॉस जीरो और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन आ जाएगा। तो ये तो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया ना ये प्रॉपर्टी, तो सच दैट दे करके ये आप प्रूफ कर दो, तो अकॉर्डिंगली आपका पास आ गया कि ये जो है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और कॉम्यूटेटिव भी तो करेगा ही करेगा भाई कन्फर्म, क्यों, क्योंकि ए कॉम्यूटेटिव करने के लिए ए अल्फा ए बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, ए बीटा ए अल्फा के इक्वल होना चाहिए, तो इसी चीज को मैं ए अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा, और अल्फा प्लस बीटा तो बीटा प्लस इक्वल के होगा ही, अलग अलग करके और दिखाना नहीं पड़ेगा, वही फायदा है कि ए अल्फा इंटू ए बीटा ए अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होने से मेरा कितना मैट्रिक्स कैलकुलेशन बच गया, उस चीज को समझो हम डायरेक्टली इनवर्स प्रॉपर्टी नहीं तो मेरे को मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकालते उसके थ्रू निकालना पड़ता अगर ये प्रॉपर्टी मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, तो वही यहाँ पे लर्निंग है, समझ में आ रहा है, उस चीज को समझो कि इस प्रॉपर्टी को मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहा हूँ, ए अल्फा इंटू ए बटा इक्वल टू ए अल्फा प्लस बीटा, ये तो कोई स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये हर मैट्रिक्स में थोड़ी ना सेटिस्फाई होता है, ये इसी मैट्रिक्स में सेटिस्फाई हुआ, समझ आ रहा है, तो वही चीज़ हमने यूज कर करके कैलकुलेशन बचा दी पूरा। सिमिलरली देखो कमोटेटिविटी में भी आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, नहीं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा कमोटेटिव नहीं होता, आप जानते हो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिला कि इस केस में तो कमोटेटिव हो गया कि ए अल्फा प्लस बीटा तो ये ए बीटा प्लस अल्फा के इक्वल है, तो उसी चीज को मैं ए बीटा इंटू ए अल्फा के इक्वल लिख दूंगा,
और अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो आपका ग्रुप जो है वो क्लियरली क्या हो गया, एक एबिलियन ग्रुप हो गया, ये पूरे अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुका है। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त? चलो तो इसको भी आप डिटेल सॉल्यूशन बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर थ्री में करके दिया, टू थ्री में आपको करके दिया, तो डेफिनेटली फोर फाइव तो आपका होमवर्क बनता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों भी मैट्रिक्स के ऊपर ही है। सिक्स सेवन दो क्वेश्चन करके देता हूं, ठीक है, फिर देखते हैं। दो यहाँ पे वैसे के लिए क्या है, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत फेवर में आते एग्जामिनर के, क्योंकि ये मतलब ऑलवेज मान लो एक साल गैप दे दे के पहले पूछा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? क्योंकि ऑपरेशन अभी तक हमने जितने भी किए वो प्लस माइनस इनटू डिवीजन ये चार ऑपरेशन तक ही सीमित रह गया, या फिर मैट्रिक्स में जाके पहला बार आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मिला है ना। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे क्वेश्चन वाला खुद से नया ऑपरेशन डिजाइन करके दिया, और वो ऑपरेशन क्या है, ए बी बाई टू है। मतलब ए और बी को अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो पहले क्या आ रहा था, प्लस करो तो ए प्लस बी हो जाए, इंटू करो तो ए इंटू बी हो जाए, बट अब की बार जो ऑपरेशन उन्होंने दिया वो ए इंटू बी बाई टू दिया। मतलब क्या कि अगर मैं वन स्टार टू करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा वन इंटू टू बाई टू। समझ आ रहा है ना, यही खेल है कि ऑपरेशन को चेंज कर दिया और कोई भी एक फिक्स्ड सेट दे दिया तो कैसे हम यहां पे कहानी को प्रूफ करेंगे। बात समझ आ रहा है, क्लियर है दोस्त? चलो चलो आके बात करते हैं। यहां पे आपको बोला जा रहा है सेट आपका है पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट, दैट इज क्यू प्लस, ठीक है। तो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट उठा लो इस सेट से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो ए स्टार बी जो होगा वो हो जाएगा ए बी बाई टू। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑल्सो ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड इफ वी डिवाइड द रिजल्ट बाई टू देन द आंसर विल अगेन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, दैट इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू द सेट क्यू प्लस। तो ये क्यू प्लस जो हो गया वो क्लोज्ड हो गया अंडर स्टार, मल्टीप्लीकेशन एडिशन नहीं, अंडर स्टार, क्योंकि अभी प्रोपरेशन ऑपरेशन आपका चेंज हो गया, स्टार बन गया। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी अगर सेटिस्फाई करने चेक करने जाते तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू स्टार सी। अभी ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो इन दोनों का एलिमेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइडेड बाई टू, तो ए बी बाई टू इंटू सी डिवाइडेड बाई टू, ऐसे हो गया। तो आंसर क्या आ गया, ए बी सी बाई फोर। सिमिलरली अगर आप ए स्टार बी स्टार सी करते हो तो भी आंसर सेम आएगा, देखो ये हो जाएगा बी सी बाई टू, और इधर अगर करेंगे तो ए इंटू बी सी बाई टू डिवाइडेड बाई टू विच विल बी ए बी सी बाई फोर। तो ये दोनों इक्वल आ गया, तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट इनवर्स में लफड़ा होगा यहाँ पर। आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट कैसे हम सोच करके निकालेंगे उस चीज को समझना पड़ेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है ये सोचो ना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ए स्टार ई बराबर ए, तो ए स्टार ई किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई बाई टू के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। ए ए कैंसिल कर दो तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। मतलब आपकी बार इस ऑपरेशन के अंडर पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ वो ना वन हुआ ना जीरो हुआ, कौन आया, टू आया। और क्या वो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ डेफिनेटली बिलोंग कर रहा है सर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट भी कर गया और प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया। समझ में आ रहा है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट भी हो गया और प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, और उसी अंदाज में आपको लिख देना है, खत्म बात। उसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं, उसके बाद अगर मैं कुछ बात करूं तो क्या बात करूंगा। ध्यान से देखो, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी बराबर ई हो जाता है, तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू ई हो गया, और ई का वैल्यू है टू, तो बी का एलिमेंट क्या आ गया, फोर बाई ए। मतलब अगर आपका ए कोई एलिमेंट है, ए कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, तो फोर बी जो होगा वो उसका इन्वर्स हो जाएगा, जो कि फोर बाई ए होगा। अभी आपको क्या देखना है, क्या बी उसी सेट में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है। अगर ए एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है तो फोर बाई पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑब्वियसली एक पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होगा। दिस बिलोंग्स टू क्यू प्लस, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अगर ए पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है तो फोर बाई ए भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा, है ना, सच दैट ए स्टार बी, दैट इज ए स्टार फोर बाई ए लिख सकते हो, इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू फोर बाई ए स्टार टू।
क्लियर, दैट इज यहां से आपको क्या हो गया, इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गया, और कम्यूटेटिव तो होगा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि ए स्टार बी ए बी बाई टू हो जाता है, उसी ए बी बाई टू को आप बी ए बाई टू लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव, तो ए बी को आप बी ए लिख सकते हो। ए और बी क्या है, ए और बी पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट में मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता ही है ना, कोई भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी करो और बी इंटू ए करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसीलिए ए बी इंटू बी ए लिख दिया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, सिंस मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर क्यू प्लस, दैट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, उसी को आप बी इंटू ए बाई टू को बी स्टार ए लिख सकते हो, तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ गया, मतलब पॉजिटिव वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर पांचों के पांचों सेटिस्फाई हो गया तो डेफिनेटली ये एक एबिलियन ग्रुप ही कहलाएगा। बात समझ आ रहा है, क्लियर है, चलो। तो मेरे ख्याल से पूरा पूरा मामला आपका सेट है, कहानी पूरा बहुत अच्छे से आप पकड़ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए, है ना, डेढ़ घंटे से ऊपर चला गया, है ना। एक और ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, चलो। a प्लस बी, जैसे यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस वन, ये ऑपरेशन दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, a प्लस बी माइनस वन, ठीक है ना। आप समझो, समझने में ज़्यादा मतलब आप स्ट्रेस लगाओ, दिमाग को जोर ज़्यादा समझने में लगाओ, क्योंकि अगर नया क्वेश्चन आ गया ना तो फंस जाओगे यार, याद करके काम नहीं चला पाओगे, सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं होगा, सॉल्यूशन रीडिंग गणित में सबसे बैड हैबिट है, समझो ना। चलो, सॉल्यूशन जितना रीड करोगे उतना मैथमेटिक्स आपका खराब होगा, सॉल्यूशन रीड तभी करना चाहिए जब सफिशियंट अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या फिर हो नहीं रहा है, तभी सॉल्यूशन रीडिंग का फायदा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑपरेशन दे दिया ए प्लस ऑफ बी, ये एक नया मतलब अभी इसका नाम वगैरह मैं नहीं जानता, ऐसे ही एक सिंबल बना करके दे दिया जो ऑपरेशन आपको ये बता रहा है। तो अगर ए बी इंटीजर में है तो ए प्लस बी भी इंटीजर होगा, और उसके माइनस वन करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, तो ए स्टार बी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो उसी इंटीजर सेट का ही तो एलिमेंट हो गया, मतलब क्लोजर हो जाएगा, क्लोजर सेटिस्फाई हो गया। एसोसिएटिविटी का अगर बात करोगे तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये निकालोगे, तो ये निकाले तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस वन आया, प्लस वन, अभी ये एक एलिमेंट है ये एक एलिमेंट है, तो इन दोनों का एलिमेंट का रीड करना सीखो, ऑपरेशन क्या बोल रहा है कि पहले दोनों को जोड़ो फिर वन घटाओ, तो यहाँ पे ये अगर एक एलिमेंट है ये अगर एलिमेंट है तो पहले इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और फिर वन घटाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू आएगा। सिमिलरली आप ये भी निकाल दीजिए तो आपके पास वही चीज आएगा, देखना, तो ये एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। आइडेंटिटी का अगर बात करें तो आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, स्टार की जगह पे ये आ गया, ई इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ए और इसका ऑपरेशन क्या बोलेगा, पहले दोनों को जोड़ो फिर वन घटाओ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन होके ई वन आ गया, मल्टीप्लीकेशन के साथ इसको रिलेट मत करना, ये अपना आप कैलकुलेशन होके वन आया। क्या वन इंटीजर का सेट में बिलोंग करता है, डेफिनेटली बिलोंग करता है, सच दैट ए ई के साथ ऑपरेट होके ए दिया और वही चीज ई के साथ ए ऑपरेट होके भी आया, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया एंड वन इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली अगर इनवर्स पे बात करें तो इनवर्स एलिमेंट तो आइडेंटिटी एलिमेंट वन आया तो ई के जगह पे वही लिख दिया और इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, ए प्लस बी माइनस वन कर दो, तो बी के वाला यहाँ पे टू माइनस ए आया, तो टू माइनस ए क्या हो गया आपका, ए का इनवर्स हो गया, समझ में आया। और अगर a एक इंटीजर है तो 2 माइनस ए भी कंफर्म इंटीजर होगा, दिस बिलोंग्स टू इंटीजर फॉर ऑल, a बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट a और b ऑपरेट होने के बाद 1 आया और वही चीज b और a, तो b के जगह पे अपन लिख देते 2 माइनस ए को, समझ में आया ना, इस तरीके से हमें आंसर राइट करना होता है। देयरफॉर इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया और कॉम्पिटेटिव भी तो होना ही होना है, क्योंकि a प्लस बी माइनस वन और b प्लस ए माइनस वन में कोई अंतर नहीं है, ये है आपका a और b का ऑपरेशन और ये हो गया आपका b और a का ऑपरेशन, बस a और b को इंटरचेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि एडिशन जो होता है ये क्या है, a प्लस बी और b प्लस ये क्या है, एडिशन है ना, एडिशन जो होता है वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है किस सेट में, इंटीजर में, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहां पे लिख सकते हो पहले की तरह, सिंस एडिशन सेटिस्फाइज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द सेट ऑफ इंटीजर्स, समझ में आया, क्लियर। तो मेरे को लगता है सफिशियंट एग्जांपल के थ्रू मैं पूरा आपको अच्छे से फील दिला पाया कि ग्रुप्स के प्रॉब्लम को हम कैसे सोचेंगे, थ्योरम्स को कैसे सोचेंगे। आज के लेक्चर में यही चीज हम बातचीत कर रहे थे कि ग्रुप्स का
कंक्लूसिव स्टेटमेंट में जा रहे थे कि सिर्फ ग्रुप के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप का बात नहीं कर रहा हूं, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सब का बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगर ग्रुप के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते प्रूफ करने के लिए अबेलियन ग्रुप वगैरह, या फिर ऑपरेशन वगैरह चेंज करके अगर इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते तो आप कैसे करोगे, और थ्योरम्स भी हम स्टार्ट में देख चुके हैं। तो अभी अगर एट जो क्वेश्चन आपके पास है वो भी इसी प्रकार से ऑपरेशन चेंज करके दे दिया, तो ये आप खुद से सोचिएगा। और 9 से 13 तक जो क्वेश्चन है वो मैं रो पूरा पूरा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट मेरे को लगता है कि पिछले 10 साल में शायद पांचों के पांचों क्वेश्चन ही 1 से 2 बार आ चुके एग्जाम में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ठीक है। तो इनको आप सोचने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो भी बाकी रहेगा वो अपन क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऑफलाइन हो या फिर जूम हो, जैसे भी हो अपन डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्लियर है। चलो, तो और डिटेल सॉल्यूशन, मेरा हैंड रिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा प्रॉपरली, है ना, कि आंसर कैसे राइट करना है, बट उससे पहले आपका एफर्ट पूरा होना चाहिए, याद रखना दोस्त, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से ये पार्ट, है ना। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडिशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, एंड देन जो भी आपका आगे वाला पार्ट है इस यूनिट का, दैट इज साइक्लिक ग्रुप ऑनवर्ड्स, बाकी सारे कहानी चलेगा। फिर यूनिट 2 में जाके साइक्लिक मेन जो आपका सब ग्रुप वाला टॉपिक है, सब ग्रुप हो, साइक्लिक सब ग्रुप हो, लैग्रांजेस थ्योरम हो, ये सारी चीज़ मिलेगा आपको, एंड देन नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, मिलके ग्रुप थियोरी 3 यूनिट में खत्म, एंड देन रिंग थियोरी आएगा आपका, देखेंगे एक एक चीज करके। तो अगले लेक्चर में ये क्वेश्चंस तो अपन और डिस्कस नहीं करने वाले, ये क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, जो भी आपका रिमेनिंग डाउट्स रहेगा, और सॉल्यूशन भी आपको अकॉर्डिंगली ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए देन आप कमेंट करके अकॉर्डिंगली मेरे से ले सकते हो, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ऐसे कोई बच्चे मेरे को देख रहे हो जो मेरे से जुड़े हुए नहीं हो, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा इनको जरूर अच्छे से, आपका पूरा पूरा ग्रुप थ्योरी, बेसिक ग्रुप का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, सारे कहानी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्लियर। तो चलो आज के लिए लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के साथ, क्लियर। तो पढ़ते रहिएगा, और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अलविदा।